इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग की। जो फर्स्ट स्टेज रहती है फ्रीज ड्राइंग की, इसमें हम फूड को फ्रीज करेंगे उसके कन्वेंशनल फ्रीजिंग इक्विपमेंट में। जो फ्रीजिंग इक्विपमेंट पहले से यूज़ होता आ रहा है उसमें हम हमारे जो भी हमारा फूड है उसको फ्रीज करेंगे। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्रीजिंग इफ़ेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, इसके साथ साथ ड्राइंग को भी। रैपिड फ्रीजिंग प्रोड्यूस करती है छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल और कोई भी डैमेज नहीं होता प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में, और थोड़े थोड़े जो स्मॉल पोर्स कैपिलरीज है वो वहाँ पे रह जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस आ जाएगा वेपर को पास होने के लिए। स्लो फ्रीजिंग के अंदर लार्ज क्रिस्टल बनेंगे और जो वो है रैपिड ड्राइंग पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन जो डिसएडवांटेज है लार्ज क्रिस्टल का कि वो सेल को डैमेज कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेपरेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर वेपर प्रेशर हमारे फूड का है 610.8 पास्कल से कम तो हमारा वाटर जम जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। और फ्रूज जब हमारे फूड को हीट करेंगे तो सॉलिड आइस जो थी जो जम गई थी फ्रिज के कारण वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी वेपर में विदाउट मेल्टिंग। अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में विदाउट मेल्टिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आइस सब्लाइम्स हो जाएगी डायरेक्टली टू वेपर विदाउट मेल्टिंग। वाटर वेपर जो है कंटिन्यूसली रिमूव हो जाएगी फूड से अगर उसका प्रेशर को मेंटेन करते हैं फ्रिज ड्रायर कैबिनेट में बिलो द वेपर प्रेशर एट द सर्फेस ऑफ द आइस। हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाटर वेपर जो है उसको कंटिन्यूसली रिमूव किया जा सकता है फूड से अगर हम जो प्रेशर है फ्रिज ड्रायर कैबिनेट में, जो फ्रिज ड्रायर कैबिनेट है अगर हम उसको कम रखते हैं जो भी वेपर प्रेशर है आइस के सरफेस पे, तो वेपर वहाँ रिमूव हो जाएगी विद द वैक्यूम पम्प एंड कंडेंसिंग इट ऑन ए रेफ्रिजरेशन कॉइल। अब जैसे कि ड्राइंग प्रोसेस प्रोसीड होगी सब्लिमेशन फ्रंट मूव इनटू फूड, जैसे कि जैसे ड्राइंग आगे बढ़ेगी जो भी सब्लिमेशन फ्रंट होगा वो फूड के अंदर जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है आइदर कंडक्ट होगी फूड के थ्रू और सब्लिमेशन फ्रंट जो है फूड के अंदर जाएगा माइक्रोवेव के थ्रू। अब वेपर यहाँ ट्रैवल करेगी फूड से चैनल में और फॉर्म्ड बाय द सब्लिमेटेड आइस एंड वो क्या हो जाएगा वहाँ पे रिमूव्ड हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस कि हुआ क्या। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन का, तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।